ओम शांति। अपने संस्कारों को परिवर्तन करो तो तुम्हारा संसार बदल जाएगा। हमारा संसार माना हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा कर्म क्षेत्र, सब कुछ बदल जाएगा। हमारे जीवन में सहज सफलता प्राप्त होने लगेगी, निराशा के बादल छट जाएंगे और हमारे घर में सदा खुशियों के झूले में सब झूलते रहेंगे। तो हम अपने संस्कारों को बदलेंगे, अच्छी तरह पहचान लें मेरा कौन सा संस्कार मुझे कष्ट देता है या दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। ऐसा तो नहीं हम अपने किसी संस्कार को बिल्कुल राइट समझ रहे हैं और उससे सबको परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि जिस मनुष्य में अहम बहुत होता है वो सदा अपने को राइट ही समझता है। परंतु यदि हमारे द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंच रहा है, यदि हमारी वाणी दूसरों का सुख छीन रही है, यदि हमारा क्रोध घर में अशांति पैदा कर रहा है, यदि सब लोग हमसे दूर भागना चाहते हैं, तो हमें समय लेना चाहिए। हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा है, हमारे स्वभाव में प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं, शुभ भावनाएं नहीं है और हमारे वचन ऐसे नहीं हैं जो दूसरों को प्रिय लगें, दूसरों को उमंग बढ़ाएं, दूसरों को शांति दें। तो हम अपने संस्कारों को बदलें, संसार बदल जाएगा। चेक कर लें हमारे अंदर परिवारों में या संगठनों में लड़ाई झगड़ा करने के संस्कार तो नहीं हैं। अगर हम लड़ते ही रहेंगे तो सतयुग में हमारा पार्ट कदापि नहीं हो सकेगा, हम त्रेता युग में ही आएंगे। और जब द्वापर के बाद हम नए जन्म लेना शुरू करेंगे तो भी हम लड़ते ही रहेंगे, वो संस्कार हमारा इमर्ज हो जाएगा। और जो लड़ते हैं उन्हें स्वयं भी शांति प्राप्त नहीं होती, भले ही उनके द्वारा दूसरों को अशांति मिलती है, लेकिन हम जानते हैं जो दूसरों को अशांत करते हैं वो कभी शांत रह ही नहीं पाते हैं। ये भी देख लें कि हमारे अंदर कहीं परेशान होने का संस्कार तो नहीं है, छोटी-छोटी बातों में हम दुखी और परेशान होते रहते हैं। तो अगर हम अपनी श्रेष्ठ ज्ञान में रहेंगे, अगर हम स्वमान में रहेंगे तो हम परेशान नहीं होंगे। बाबा का ये बहुत सुंदर महावाक्य याद रखेंगे, जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उनका जिम्मेदार बाप है और जो अहम में रहते हैं उनके जिम्मेदार वो आप हैं, वो स्वयं हैं। तो कितना अच्छा हो हमारा जिम्मेदार स्वयं भगवान बनकर रहे, वाह हम कितने निश्चिंत हो जाएंगे। तो क्यों ना हम स्वमान में रहें और टकराव से पूरी तरह मुक्त रहें। टकराव वाली आत्मा सेवाओं में विघ्न ही डालती है, वो वातावरण को भी विषैला कर देती है और सेवाओं की सफलता को धूमिल कर देती है। वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाते हैं और कोई भी ऐसे स्थान पर आना नहीं चाहता है। इसलिए चेक करें, अगर टकराव हो रहा है तो हम दूसरों को जिम्मेदार न ठहराएं, स्वयं की जांच करें, मुझे स्वयं में कहां परिवर्तन करना है। अगर हम दूसरों को ही देखते रहेंगे, ये ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये बार बार गलती करते हैं, तो हम टकराव से मुक्त माहौल कभी नहीं बना सकेंगे। बहुत अच्छी ये बात सभी को बार बार याद करनी है कि दूसरा बुरे वचन बोले, हम ये सोचने की बजाय कि ये कब बदलेगा, हम ये सोचें कि मुझे अचल अडोल रहना है, तो हम उसका पुरुषार्थ करें तो दूसरे की कमी हमें शक्तिशाली बनाने वाली बन जाएगी। तो आइए आज सारा दिन हम सुंदर स्वमान का अभ्यास करें। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इस स्वमान से हमसे रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलने लगती हैं और वातावरण चार्ज हो जाता है। फिर ज्ञान सूर्य से बाबा का आह्वान करें, अपना धाम छोड़कर
हमारे सम्मुख आ जाओ और देखें ज्ञान सूर्य महाज्योति निराकार नीचे उतर रहे हैं और आ गए हमारे सामने। ज्ञान सूर्य आंखों के सामने हैं, उनकी रंग बिरंगी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं। ऐसा अभ्यास 1 मिनट हर घंटे में 2 बार अवश्य करें।